मैं हाफिज़ मोहम्मद अली इकबाल बेंगलोर से बिलोंग करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नीट में 680 मार्क्स आए हैं। तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का, उसके बाद माँ बाप का और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर सर, उनके फर्जंद अब्दुल मुकीद सर, उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया और काफ़ी मोटिवेट किया कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। इरादा तो नहीं था और यकीन भी नहीं था कि कर पाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का बहुत सारा सपोर्ट रहा, हमारे टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, काफ़ी मोटिवेटिंग हर वक्त आके मोटिवेट करते थे, अच्छा सपोर्ट रहा और मेहनत रही, हमारी भी रही और टीचर्स की भी रही। स्कूल ड्रॉपआउट से रहते हैं तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आप लोगों को मद्देनज़र रखते हुए एक कोर्स प्रिपेयर किया गया है, AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें आपको जो भी बच्चा हो, कभी अगर स्कूल भी नहीं गया हो तो उसे 1 से 10 तक का बेसिक पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। तो आपको भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बचपन से स्कूल पढ़ने वाला ही डॉक्टर बन सकता है। आप भी इंशाल्लाह शाहीन को कांटेक्ट करके AICU में एडमिशन ले सकते हैं और आगे इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए भी डॉक्टर बनना कुछ ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं, बहुत आसान। मिस हादिया अनम एंड आई हैव सिक्योर्ड 507 मार्क्स इन नीट फ्रॉम शाहीन गुलबर्गा इंस्टीट्यूट। अल्हम्दुलिल्लाह माय एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड हियर। द लेक्चर्स आर वेरी सपोर्टिव, very caring, and the environment is very friendly. We had lots of support from everyone over here, and I hope you also inshallah you also be good here inshallah. Choose Shaheen Institute, it's very good, everyone is very supportive, friendly, and all the best for you. Jazakallah khair. Jab humne Shaheen Neat Academy ke toppers ka felicitation kiya to isi building ke 3rd floor ke ek chote se classroom mein kiya tha, जिसमें हमने हमारे 7 स्टूडेंट्स जो MBBS में एडमिशन्स लेने वाले थे उनको हमने फेलिसिटेशन किया था। और आज ठीक 1 साल बाद इसी बिल्डिंग के बीचों बीच में हमें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बच्चे आप 10th में हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि 10th में आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप 10th में अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आगे आपको बहुत आसानी होगी। फिर जैसा मेरा 10th हुआ, फिर लोग कहते थे कि नीट के लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत पड़ती है, नीट में समझने में मुश्किल होती है अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बहुत सारे बातें कहती है। तो फिर मैंने शाहीन में एडमिशन लिया नीट के लिए। डॉक्टर बनने का इरादा मैंने 10th में किया था, तो डॉक्टर बनने के लिए मैंने शाहीन में एडमिशन लिया। तो जब शुरू में हमारा जब फर्स्ट ईयर था तो फर्स्ट ईयर में लॉकडाउन था, लॉकडाउन में कई सारी परेशानी आई, फर्स्ट ईयर लॉकडाउन में गुजरा, जिसकी वजह से थोड़ा कोताही हुई पढ़ने में, तो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा अच्छा पढ़ना नहीं हुआ। फिर जैसा फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ, सेकेंड ईयर में शाहीन के ऑफ़लाइन क्लासेस शुरू हुए। तो जब मैं ऑफ़लाइन क्लासेस में फिर जब आया तो ऐसा लगता नहीं था कि ये साल सीट ले पाऊँगा। फिर शाहीन के सर्स मोटिवेट करते थे, एक दिन खदीर सर भी आए, वो भी बोले कि आप कर सकती हैं, आप अगर चाहे, अगर आपकी हिम्मत है तो आप कर सकती हैं। फिर मैंने वो दिन से मेहनत करना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो साल 12th हुआ 92% के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वही साल नीट दिया और नीट में मेरे 646 मार्क्स आए। शाहीन में जाकर मालूम हुआ कि डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। मेहनत की, बस शुरुआत से उर्दू मीडियम थे, बस इतना पता था कि मेहनत से पढ़ना है, ये नहीं पता था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन ने हमें दी। वक्त गुजरता गया, बताते गए ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, कब पढ़ना है, पूरा शेड्यूल होता है, सिर्फ फॉलो करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बस शाहीन के शेड्यूल को फॉलो किया और आज इस मकाम पे हूँ। जो है आप तमाम टॉपर्स बच्चों से उनके एक्सपीरियंस जान रहे थे, तो ये तो लोगों के रीसेंट चीज़ें हैं जो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा मदद देंगी। फिर भी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं जो है MBBS ज्वाइन ही 99 में की थी, यानी काफ़ी पुरानी बात है। जिस मोमेंट पे आपको एहसास होगा कि मुझे बदलना है, उस मोमेंट से आप मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ही मुबारक जलसे की खिदमत में हाजिर हो, चूँकि अब इस ज़िंदगी में मैंने पॉलिटिक्स के MP, MLA के, चेयरमैनों के, कारपोरेटरों के जलसे अटेंड किया, मगर आज का जलसा जिसमें हाफिज़ कुरान जो यहाँ पे शाहीन से तालीम हासिल करके यहाँ बैठे हुए हैं, ये बहुत ही मुबारकबाद के काबिल है। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों के जहन में ये रहता है कि सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है। आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि शाहीन इदारे के सामने कोई मिलिट्री स्कूल, कोई सैनिक स्कूल का आबदा नहीं है। आज ये भाई मुझे भी क्या बोलते तो जो है इसका तजुर्बा नहीं था। मेरी भी एक बेटी जो है यहाँ से कम पैसा थी, उसको मैं शाहीन में धारा था, मेरी पोतरी को, वो भी वहाँ से पढ़कर आके ज़्यादा परसेंटेज लेकर आई। ये आप मुझे आज ये बच्चों से सुनने के बाद ये महसूस हो रहा है कि शाहीन जो है आपके सैनिक हो या मिलिट्री स्कूल से कम नहीं है। यहाँ पे जो नज़्म व नक्श है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों ने अपने तासुरात आपके सामने रखे हुए हैं। ये जबान से निकाल देना चाहिए कि वही अच्छा है, यही अच्छा है। अगर आप में जज्बा है, आप में पढ़ने की क्या बोलते सो जो है तमन्ना है, तो आपको आजमाना चाहिए। गुलबर्गा में हमारी कोशिशें शुरू हुए, 12 साल हुआ, लेकिन आज हम एक बड़ी तब्दीली यहाँ पर देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन का कल्चर, सिस्टम, डिसिप्लिन अब मुझे यहाँ देखने में मिल रहा है और इसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। शाहीन डिस्ट्रैक्शन फ्री है, आप जानते हैं शाहीन मोबाइल फ़ोन फ्री है, ऑटो मोबाइल फ्री है। अज़ान चल रही नहीं, शाहीन मोबाइल फ़ोन फ्री है, ऑटो मोबाइल फ्री है, यानी कि कोई बच्चा बाइक पे नहीं आता, को एजुकेशन फ्री है और साथ ही साथ ट्यूशन फ्री है। ट्यूशन को हम इरेडिकेट करने में कामयाब हुए और हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में ये ट्यूशन की बीमारी ख़त्म हो जाए। बड़े शौक़ से लोग अपने बच्चों को स्कूल में शरीक करते हैं, एडमिशन कराते हैं और साथ में शाम में ट्यूशन भेजते हैं। डॉक्टर साहबा यहाँ मौजूद हैं, आपको किसी के फैमिली डॉक्टर हैं आप, और आपके पेशेंट आप पास आते हैं और दिखाते हैं, दिखा के फौरी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और वो 1 साल की उम्र से लेकर पूरा 25, 30 साल, 40 साल तक ऐसा ही करते हैं। आपको अच्छा लगेगा? बुरा लगे ना? डॉक्टर साहबा महसूस करेंगे कि ये तो हमारी इंसल्ट है, मेरी इंसल्ट है, ये क्या तरीक़ा है? आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं और फौरी दूसरे डॉक्टर के पास चले जा रहे हैं। बुरा लगेगा, एक मानों में इंसल्ट होगी। ऐसा ही हमको आज से तकरीबन 25-27 साल पहले फील हुआ था। ये तो हमारे स्कूल की इंसल्ट है, हमारी इंसल्ट है, हमारे टीचर की इंसल्ट है, ये इसको बैन करना चाहिए और हम बैन कर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बीदर डिस्ट्रिक्ट इस बीमारी से पाक है। ये माहौल हम पूरे मुल्क भर में फैलाना चाहते हैं।